इंदौर नगर निगम ने जेल रोड स्थित करीब 5 से 6 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर इंदौर नगर निगम इन दिनों एक्शन मोड में है। यही वजह है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जेल रोड स्थित 5 से 6 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। दरअसल कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है। जेल रोड पर सिर्फ थोक विक्रेताओं को कुछ समय के लिए दुकान खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन रिटेल दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खोलना चालू कर दिया था और अपनी दुकानों में लगातार भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग और बगैर परमिशन के दुकान खोलने के कारण नगर निगम ने कार्रवाई की। ये यहाँ पे क्या है, जो दुकानदार है इनको कलेक्टर साहब ने परमिशन दी है होलसेल करने की फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन ये दुकानदार रिटेल कर रहे हैं और अपनी दुकानों के अंदर 10-10 कस्टमर को घुसा रहे हैं। तो जो दुकानों ज़्यादा अधिक कस्टमर दिख रहे, समझाइश देने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, तो हम उनकी दुकानें सील कर रहे हैं और स्पॉट फाइन कर रहे हैं। कम से कम 5 दुकान अभी सील कर दी और कम से कम 20-21 स्पॉट फाइन यहाँ काट दिया हमने अभी तक। ये कह रहे हैं कि जितना देख ही रहा पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको कम से कम कर सकें। थाने से भी हमको मदद मिल रही है। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।